हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। हाल में अरबाज खान ने अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस मौके पर बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक हस्तियां मौजूद थी और सब ने धूमधाम से इस दिन का जश्न अच्छे से मनाया था। इस पार्टी में मलाइका अरोड़ा ने भी शिरकत की थी, जहां उन्होंने एक ऐसी हरकत करी कि सब लोग चौंक गए। असल में इस पार्टी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मलाइका अरोड़ा सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम के पीछे उनका नाम चिल्लाते हुए भागती दिख रही हैं। अब ये किसी को नहीं पता कि मलाइका ने ऐसा क्यों किया है। इस वीडियो को देख हमें तो ऐसा लगता है कि शायद मलाइका अरोड़ा मीडिया से बचने के लिए ऐसा कर रही थी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखें तो जब मलाइका इब्राहिम के पीछे चल रही हैं, तो मीडिया लगातार उनकी तस्वीरें ले रहा है। हो सकता है कि मलाइका को मीडिया का ये व्यवहार अच्छा ना लगा हो और वो सबको नजरअंदाज करने के लिए इब्राहिम के नाम का सहारा ले रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मलाइका के दिमाग में कुछ और ही बात हो। अगर मलाइका की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो अभी बहुत ज्यादा बिजी नहीं है। हाँ, उन्होंने हाल ही में एक मीडिया हाउस से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि अगर दबंग 3 के लिए उनके पास ऑफर आता है तो वो जरूर उसका हिस्सा बनेंगी। असल में दबंग 3 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और अरबाज ने भी हाल ही में मीडिया को बताया है कि वो जल्द ही फिल्म पर काम करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्या मलाइका दबंग सीरीज की बाकी फिल्मों की तरह दबंग 3 में आइटम डांस करेंगी या नहीं, जिस पर मलाइका ने कहा है कि वो जरूर इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।